नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर रुख। राम कुमार गुप्ता पूर्सा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गांधीनगर आश्रम पूर्सा पर 75वां आजादी अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के दौरान युवाओं का सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी युवाओं को देश के प्रति सही राह पर चलने का, नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने का, स्वच्छता अभियान तथा बुराइयों को दूर करने का संकल्प दिलाया गया। बीके रेखा बहन ने कहा कि भारतवर्ष में हम युवाओं की ताकत बहुत है, परंतु यह ताकत हमें सही कार्यों में, सद्मार्गों में और किसी के मददगार बने जरूरतमंदों की मदद को पूरा करना चाहिए। किसी के सहयोग में अगर हम उसकी सहभागिता करें, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहें, तो उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाएगा और वह व्यक्ति भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। युवा कोचिंग पर केवल पढ़ाई के उद्देश्य से ही जाएं, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, दारू गुटखा शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और ना किसी को करने दें, तभी हमारा देश का हर वह युवा भारत की ताकत बनकर नए आयाम तक पहुंचेगा। कार्यक्रम के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण गुप्ता, महामंत्री संदीप उपाध्याय, कमल जाटव, शिवराज सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा कमल सिंह तोमर, वरिष्ठ पत्रकार जसराम गुप्ता, श्याम मुरारी, बाबा बीके कंचन बहन, शिवकांत गुप्ता, पवन शर्मा, रमाकांत शर्मा, अर्पित गुप्ता, आदित्य शर्मा, राजा शर्मा, दीपक तोमर, अंकित तोमर, भूपेंद्र सिंह तोमर आदि युवा साथी उपस्थित रहे। परमादरणीय राजीव जी, बहन जी रेखा बहन जी, हमारे साथी शिवराज सिंह तोमर जी, हमारे पत्रकार साथी कमल सिंह तोमर जी, हमारे पार्टी के महामंत्री कमल यादव जी, उपस्थित हमारे सभी युवा साथीगण, जसराम मोगा जी, श्यामराली बाबा जी, कंचन बहन जी, आज प्रजापति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा युवाओं को एक नए संदेश के रूप में जो आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो मूल उद्देश्य यह है कि आज के समय जो हमारा युवा साथी है, कहीं ना कहीं युवा साथी चाहे वो परिवार के साथ से भटक रहा है या अपने युवाओं के साथी से भटक रहा है, कहीं ना कहीं वो भटक रहा है क्योंकि उसे और सही लोगों के साथ में उठना बैठना उसका नहीं हो पाता। इसी कारण चाहे हम कोचिंग को देख लें, कोचिंग चलाते हैं गुरुजन, पहले के समय में जो हमारे गुरुजन हुआ करते थे, तो उन गुरुजनों से हम आमने सामने बैठकर तो क्या दूर से ही देखकर के भागने का प्रयास करते थे कि अरे वो गुरु जी आ रहे हैं और अपने घर से निकलो, नहीं तो देख रहे थे क्या करेंगे। तो सुबह स्कूल में जाने के लिए भी डरते थे कि स्कूल में जाएंगे नहीं आएंगे। और आज के समय में गुरुओं को देख लो, साथ में बैठ करके कुछ नशा मुक्ति कर रहे हैं, कुछ गुटखा पान बीड़ी शराब तम्बाकू वगैरह ऐसे सेवन का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी क्या है हमारा युवा थोड़ा भटक रहा है। कोचिंग क्लासों में 100 बच्चे विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं, 100 शिक्षा लेने के बावजूद भी उसमें 10 विद्यार्थी तो जो ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने इस कोर्सांचल का नाम रोशन करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी है, हमारे यहाँ कौशल क्षेत्र में कई विद्यार्थी चल रहे हैं, उन हजारों विद्यार्थियों में 2-4-5 विद्यार्थी ऐसे भी निकल के आते हैं जो हमारे इस चंबल क्षेत्र का नाम गौरव बढ़ाया उन्होंने किया। जैसे कि हमारा कल एक कार्यक्रम हुआ था सोनापुरी में, जिस कार्यक्रम में हमारे पूछा की एक बेटी थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ इसरो में बैठ कर भी उन्होंने बातचीत की, हमारे देश की काफ़ी MBBS का सिलेक्शन हुआ, पंडित पुत्राम स्कूल से भी काफ़ी बच्चे सिलेक्शन होकर के गए। पूर्सा से संवाददाता प्रदीप सिंह दंडोतिया की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।